Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 10 Science Olympiads, chapter 4, Carbon and its compound, part 4. सबसे पहले है question number 16. IUPAC names of a few ester are given below. हमारे पास IUPAC names हैं कुछ ester के. सबसे पहले है ethyl propanoate, उसके बाद है propyl methanoate, third है हमारे पास methyl butanoate और fourth है ethyl butanoate. ये जो ester है हमें बताना है इनमें से कौन से एस्टर में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो 10 हैं. तो सबसे पहले देखते हैं एस्टर की फॉर्मेशन. एस्टर हमारे फॉर्म होते हैं अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड से. तो इथाइल प्रोपेनोएट के केस में अल्कोहल होगी हमारे पास इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड. सेकेंड है प्रोपाइल मिथेनोएट, इसके केस में जो अल्कोहल होगी वो होगी प्रोपेनॉल प्लस जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो होगा मिथेनोइक एसिड. इसी तरह मिथाइल ब्यूटेनोएट में हम लेंगे मिथेनॉल प्लस ब्यूटेनोइक एसिड और इथाइल ब्यूटेनोएट में हम लेंगे इथेनॉल प्लस ब्यूटेनोइक एसिड. तो ये था हमारा एस्टर का फॉर्मेशन. अब हम देखते हैं इन एस्टर का फॉर्मूला. तो सबसे पहले है इथाइल प्रोपेनोएट, इसका फॉर्मूला होता है C5H10O2. इसके बाद है प्रोपाइल मिथेनोएट, इसका फॉर्मूला होता है C4H10O2. इसके बाद है थर्ड मिथाइल ब्यूटेनोएट, इसका फॉर्मूला होता है C5H10O2. जो फर्स्ट है और जो थर्ड है इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये दोनों हमारे डिफरेंट हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट है और इन दोनों एस्टर की जो स्मेल है वो भी हमारी डिफरेंट है. ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ बताता है नंबर ऑफ एटम्स को. इसके बाद है इथाइल ब्यूटेनोएट, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O2. तो हमसे पूछा गया था कौन से एस्टर में जो हाइड्रोजन है वो 10 है. तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. रोहन वॉज गिवन 3 अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड PQ and R टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड. ही टेस्टेड कंपाउंड्स विद डिफरेंट रीजेंट्स एंड नोटेड डाउन हिज ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल. कंपाउंड PQ and R आर रिस्पेक्टिवली. रोहन के पास तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है PQ और R. रोहन ने उनको रिएक्ट करवाया कुछ सब्सटेंसेज के साथ ताकि उसे पता चल सके कि उसके पास कौन सा कंपाउंड है. तो हमारे पास तीन रीजेंट्स हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रेड लिटमस सॉल्यूशन और है हमारे पास सोडियम मेटल टेस्ट. तो सबसे पहले है फर्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसके अंदर जो कंपाउंड पी है वो रिएक्ट करता है और हमें मिलती है ब्रिस्क एफरवेसेंस, यानी हमें लिक्विड में बबल्स दिखाई देते हैं. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हमारा एक बेस है, तो बेस के साथ रिएक्ट करता है एक एसिड. तो जो कंपाउंड पी है ये है हमारा एसिड. तो ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है और जो ऑप्शन नंबर सी है ये हो सकते हैं हमारे करेक्ट आंसर क्योंकि इनके अंदर है इथेनोइक एसिड. इसके बाद एक कंपाउंड क्यू, इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुआ और कंपाउंड आर के अंदर भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ. अब इसके बाद है रेड लिटमस सॉल्यूशन. जो कंपाउंड पी था उसके अंदर कोई चेंज नहीं था, लेकिन जो कंपाउंड क्यू था उसने रेड लिटमस को कन्वर्ट कर दिया ब्लू में. जो सब्सटेंस रेड लिटमस को कन्वर्ट कर दे ब्लू में वो होता है हमारा बेसिक. तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सोप सॉल्यूशन और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इथाइल इथेनोइट. इनमें से जो बेसिक है वो है हमारा सोप सॉल्यूशन. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. अब हमें सिर्फ वेरीफाई करना है ऑप्शन नंबर बी को. तो लास्ट में हमें दिया गया है सोडियम मेटल टेस्ट. जो कंपाउंड पी है यानी कि इथेनोइक एसिड वो रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और एक गैस प्रोड्यूस होती है जो कि बर्न करती है पॉप साउंड के साथ, यानी जो गैस है वो है हमारी हाइड्रोजन गैस. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. कंपाउंड पी यानी कि इथेनोइक एसिड जब वो रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस. इसके बाद एक कंपाउंड आर, कंपाउंड आर हमारा रिएक्ट करता है और हमें प्रोड्यूस होती है एक गैस जो कि है हाइड्रोजन. तो कंपाउंड आर हमें दिया गया है इथेनॉल.
जो कि हमारा करेक्ट है क्योंकि इथेनॉल हमारा रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थ्री हाइड्रोकार्बन्स पी क्यू एंड आर हैव हाइड्रोजन इन द रेशियो 3:2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द रिएक्शंस शोन बाय पी क्यू एंड आर। हमारे पास तीन हाइड्रोकार्बन हैं पी क्यू और आर। हाइड्रोकार्बन का मतलब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये तीन हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हमारे पास तीन हाइड्रोकार्बन हैं पी क्यू और आर। इनके अंदर जो कार्बन के एटम हैं वो तो हमारे सेम हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन के एटम हैं उनकी रेशियो है 3:2:1। तो हमारे पास कार्बन एटम्स तो सेम हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो हमारे डिफरेंट हैं। ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर जो तीन हाइड्रोकार्बन हैं वो तीनों सीरीज से बिलोंग करते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कार्बन एटम है जो कि हैं दो, और अगर हम बात करें अल्केन सीरीज़ की, तो ऐसा एक ही हाइड्रोकार्बन पॉसिबल है अल्केन सीरीज़ में जिसके अंदर कार्बन के दो एटम हो, यानी कि इथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। अगर हमको कार्बन को फिक्स्ड रखना है और हमें चेंज करना है हाइड्रोजन को, तो हमें दूसरी सीरीज़ के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक सीरीज़ के अंदर रहकर हम कार्बन को फिक्स्ड कर हाइड्रोजन को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है लेकिन जो हाइड्रोजन है वो तीनों में अलग अलग हैं, इसका ये मतलब है कि एक हाइड्रोकार्बन हमारा अल्केन का है, एक हाइड्रोकार्बन हमारा अल्कीन का है और एक हाइड्रोकार्बन हमारा अल्काइन का है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे पास एक कार्बन हो तो अल्केन के लिए वो होगा मीथेन, और जो अल्कीन और अल्काइन है ये हमारे पॉसिबल नहीं होते एक कार्बन एटम के लिए। तो अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की जिनके अंदर दो कार्बन होते हैं। तो अल्केन के अंदर वो है हमारा इथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। अल्कीन के अंदर वो है हमारा C2H4, जिसका नाम है इथीन, और अल्काइन के अंदर है हमारा इथाइन, जिसका फॉर्मूला है C2H2। तो अब हम चेक करते हैं इनकी रेशियो। हाइड्रोजन है हमारे पास 6, अल्कीन में हाइड्रोजन है 4 और अल्काइन में हाइड्रोजन है 2। इनकी जो रेशियो है वो है 3:2:1, जो कि हमारी दी गई है क्वेश्चन में। यानी इस क्वेश्चन में जो हाइड्रोकार्बन बताए गए हैं पी क्यू और आर, वो है हमारे इथेन, इथीन और इथाइन। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, पी डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। जो पी है इसके अंदर एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती। जो पी है ये है हमारा इथेन, जो क्यू है ये है हमारा इथीन, जो आर है ये है हमारा इथाइन, जो पी है ये आता है अल्केन्स में, और अल्केन को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो अल्कीन और अल्काइन होते हैं ये होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो एडिशन रिएक्शन है यानी कि ऑक्सीजन का ऐड करना, वो पॉसिबल होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में। जो एडिशन रिएक्शन है यानी कि ऑक्सीजन का ऐड करना, वो अल्केन्स के अंदर नहीं हो सकती, वो सिर्फ अल्कीन और अल्काइन के अंदर हो सकती है। तो इसमें लिखा गया है पी डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, जो कि हमारा करेक्ट है क्योंकि पी हमारा अल्केन है और इसके अंदर एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती। इसके बाद बी, बोथ क्यू एंड आर डी कलराइज ब्रोमीन वाटर। क्यू और आर यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डी कलराइज कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर को, ये भी हमारा करेक्ट है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो अल्कीन और अल्काइन होते हैं ये हमारे ब्रोमीन के साथ जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो ये डी कलराइज कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर को। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। इसके बाद स्टेटमेंट सी, बोथ क्यू एंड आर गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डिजोल्व इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को डिजोल्व करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड में और उनको रिएक्ट करवाएं क्यू और आर यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, तो हमें मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। इसमें लिखा गया है बोथ क्यू एंड आर
लेकिन जो अल्काइन होता है सिर्फ वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। जो अल्कीन है वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता, सिर्फ जो अल्काइन है वो बनाता है वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन पर मोल अंडर द सेम कंडीशन। हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का जो कि रिक्वायर्ड है कंप्लीट कंबशन के लिए। इस क्वेश्चन में जो सब्सटेंसेस है अगर उनकी कंबशन हो तो कौन से सब्सटेंस में सबसे कम ऑक्सीजन यूज़ होगी और कौन से सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होगी, वो हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं चार सब्सटेंसेस। एक है हमारे पास प्रोपाइन, एक है हमारे पास इथेन, एक है हमारे पास इथीन और लास्ट है हमारे पास इथाइन। इन चार सब्सटेंसेस की हमें देखनी है कंबशन। तो जितनी भी ये रिएक्शंस होगी हाइड्रोकार्बन की सभी में हमें मिलेगा CO2 प्लस वाटर। हमें बस इन रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं इथेन की कंबशन को। हमारे पास कार्बन है दो लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में है सिर्फ एक कार्बन, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जो कार्बन है वो हो गए हमारे बैलेंस। इसके बाद जो हाइड्रोजन है वो है हमारी 6, लेकिन जो राइट साइड है इसमें हाइड्रोजन है हमारे पास 2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो हाइड्रोजन भी हमारी बैलेंस हो गई। अब हम काउंट करते हैं ऑक्सीजन को। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है हमारे पास 2 और राइट साइड में ऑक्सीजन जो है वो है 4 + 3 = 7। राइट साइड में ऑक्सीजन 7 है लेकिन लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, हमें मिल जाएंगी 7 ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन है ये हो गई हमारी बैलेंस। इसी तरह हम बाकी रिएक्शंस को भी बैलेंस करेंगे। तो अब हमने सारी रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया है। तो 1 मोल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल हमारा रिएक्ट करता है 3.5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। इसी तरह 1 मोल ऑफ इथीन मॉलिक्यूल हमारा रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। 1 मोल ऑफ इथाइन हमारा रिएक्ट करता है 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। 1 मोल ऑफ प्रोपाइन हमारा रिएक्ट करता है 4 ऑक्सीजन से। तो सबसे कम ऑक्सीजन है हमारे इथाइन में जो कि है 2.5, उसके बाद है इथीन में जो कि है 3, उसके बाद है इथेन में जो कि है 3.5 और लास्ट में है प्रोपाइन में। हमें बताना था इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, इथाइन इथीन इथेन और लास्ट में प्रोपाइन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द मोलर रेशियो ऑफ CO2 एंड H2O प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन - इज 5:4। द सक्सीडिंग होमोलॉग ऑफ फर्स्ट इज सेकेंड वाइल प्रिसीडिंग होमोलॉग इज थर्ड। इस पैसेज में हमें दिया गया है एक हाइड्रोकार्बन जिसका नाम हमें दिया गया है 1। ये जो हाइड्रोकार्बन है ये कंबशन करता है और हमें मिलता है CO2 और H2O जिनकी रेशियो है 5:4। तो हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है फॉर एग्ज़ाम्पल CXHY, ये हमारा करता है कंबशन और हमें मिलता है CO2 प्लस H2O। जो रेशियो है वो हमें दी गई है 5:4। तो CO2 है हमारे पास 5 और H2O है हमारे पास 4। अब इस रिएक्शन के अंदर जो टोटल ऑक्सीजन है वो हम निकालते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल ऑक्सीजन है हमारे पास 10, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, हमें मिलेगी 10 ऑक्सीजन। इसी तरह वाटर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है 4, तो टोटल ऑक्सीजन हुई हमारे पास 14। लेकिन लेफ्ट साइड में हमारे पास है 2 ऑक्सीजन और राइट साइड में हमारे पास है 14 ऑक्सीजन, तो लेफ्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब इसके बाद जो कार्बन है राइट साइड में वो है 5 और जो हाइड्रोजन है वो है 8। तो कार्बन है हमारा 5 और जो हाइड्रोजन है वो है हमारी 8। तो जो हाइड्रोकार्बन हमने यूज़ किया है वो है C5H8 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए में।
ये जो हमारा फॉर्मूला है C5H8, ये हमारा फॉर्मूला होता है पेंटाइन का। पेंटाइन का फॉर्मूला होता है C5H8। हमसे पूछा गया है सक्सीडिंग होमोलॉग, यानी कि इससे अगला वाला मेंबर, तो पेंटाइन से आगे होता है हमारा हेक्साइन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H10। और जो पेंटाइन है इससे प्रीसीडिंग होमोलॉग, यानी कि इससे प्रीसीडिंग मेंबर, वो होता है हमारा ब्यूटाइन, जिसका फॉर्मूला है C4H6। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5।